तो स्वागत है आपका डियर स्टडी पॉइंट में। आज फिर हम लोग सीआईएसआई का एक सेशन लेके आए हैं, जिसमें हम लोग सीआईएसआई के बेहतरीन सवालों को देखेंगे, जिसमें हम लोग सक्सेसिव को और थोड़ा इंक्रीज करेंगे, जहां पे हम लोग फ्रैक्शनल सक्सेसिव लगाएंगे। देखो, कोई भी चीज पढ़ो ना तो उसके अंत तक पढ़ो, ठीक है? और वो अंत जो है वो इसी वीडियो में तुम्हें मिलने वाला है। सक्सेसिव, ट्रिपल सक्सेसिव हम लोग एक साथ लगाना तो चले जान जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जगहों पे है जहाँ पे हम वो लग नहीं पाते हैं, ठीक है? या कुछ ऐसे जगह है जहां पे तो एकदम नहीं लग पाते, चाहे वो फ्रैक्शनल हो चाहे जो। लेकिन एक दायरा और है जो फ्रैक्शनल सक्सेसिव के अंतर्गत आता है, ठीक है? तो हमें वो दायरा को भी समझना है कि फ्रैक्शनल सक्सेसिव के अंतर्गत अगर आता है तो हम लोगों को उसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? तो बेसिकली हम लोग समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे देखो, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है? अब समझो कि अगर 2 साल के लिए मुझे सक्सेसिव निकालना है, तो मैंने अपने पहले वीडियो में बता रखा था कि कुछ इस तरीके का होता है। अगर पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% का है, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% का है, तो सक्सेसिव 2 साल के लिए कैसे निकलता है? ए प्लस बी और प्लस में ए बी बाई में 100। लेट से ए की वैल्यू भी 10 है और बी की वैल्यू भी 10 है, दोनों की वैल्यू 10 है, और यहाँ पे अगर 10 × 10/100 करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा? 21% आएगा। और मैं अगर 21 का फ्रैक्शन पूछूं तो ये क्या दे देगा? 21/100 दे देगा, ठीक है? देखो फ्रैक्शनल सक्सेसिव क्या होता है। अब अगर मैं बोलूं कि ए परसेंट जो कि 10% है, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। तो अगर मुझे फ्रैक्शन बेसिस पे लगाना है तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, जस्ट 1/10 और प्लस में 1/10 × 10, दैट इज 100, ठीक है? सॉल्व करोगे जब तो 100 10 प्लस 10 प्लस में 1 यानी क्या दे देगा? 21/100 दे देगा। ये फ्रैक्शन में दे देगा, दिस इज नोन एज फ्रैक्शनल सक्सेसिव, ठीक है? सक्सेसिव सिर्फ परसेंटेज पे नहीं लगता है, उनके फ्रैक्शंस पे भी लगता है। और फ्रैक्शंस पे कैसे लगता है? 2 टर्म में हम लोगों का कुछ इस तरीके से। ट्रिपल टर्म क्या है? हम लोग ट्रिपल टर्म को समझेंगे। देखो, जब हम लोगों के पास 10-10 साल का 3 बार निकालना होता है तो हमारे पास 2 प्रोसेस है। एक तो पहले 2 साल का निकाल लें और उसके बाद फिर हम लोग क्या करें, 3रे साल को उसको एडजस्ट करें। उसी को अगर एबीसी के फॉर्मूले में हम लोग अगर थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का 3 साल का फॉर्मूला निकल के आएगा, जो कि क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए बी बाई 100, बी सी बाई 100, ए सी बाई 100 एंड ए बी सी बाई 100 × 100। बस इतना याद रखना, आसान है याद रखना, ठीक है? सेम इसका भी फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन में देखो क्या होता है ना, जितने भी नीचे 100 होते हैं ना वो सारे खत्म हो जाते हैं। यहाँ पे भी देखो, ए का फ्रैक्शन अगर 1/x है, बी का 1/y है, सी का 1/z है, तो a इंटू बी के लिए हम लोगों ने क्या लिखा? 1/x × y, b इंटू सी के लिए क्या लिखा? 1/y × z, और a इंटू सी के लिए हम लोगों ने क्या लिखा? z × x, और a b c के लिए हम लोगों ने क्या लिखा? xyz। बस इतना ही करना है, ठीक है? सारा चीज वही है, सारा लगा के देख लोगे तो सारा चीज वही आने वाला है, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सवाल सवाल पे डिपेंड करेगा कि हम लोग कैसे करेंगे। अब ये वाला फॉर्मूला की मैं खास करके बात करूं, ये वाला फॉर्मूला तभी बेनिफिशियल है जब तुम्हें ये फॉर्मूला याद है और तुम इकट्ठे, मतलब ये वाला फंक्शन जो है तुम एक साथ कर ले रहे हो, ये वाला फंक्शन जो है तुम एक साथ कर ले रहे हो, और ये वाला फंक्शन जब तुम एक साथ कर ले रहे हो तब ये फॉर्मूला इफेक्टिव है। वरना एग्जाम में अगर तुम ये सोचने में ही टाइम व्यर्थ कर दे रहे हो तब तो ये तुम्हारे लिए एकदम, ठीक है? तो इतना तुम्हें अपने दिमाग में बनाना होगा, तब जाके चीजें जो है तुम्हारे लिए थोड़ी सी आसान, ठीक है? एक एग्जाम्पल इसमें भी हम लोग ले लेते हैं, वही सेम 10% को ही लेते हैं। तो 10% अगर मेरे को मालूम है तो मैं क्या बोला, इकट्ठे लेना है, तो 10 10 10 कितना हो जाएगा? 30, ठीक है? प्लस में 10 × 10 कितना होता है? 100, और 100/100 कितना होगा? 1, और यही चीज मुझे 3 बार मिलेगा, 1, 2 एंड 3। तो 3 मैंने और लिख दिया, और यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या होगा, 10 × 10 × 10 1000, यानी कि 3 0 खत्म हो जाएगा, डेट इज 0.1 आ गया, 33.1। अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने फ्रैक्शनल में लिखाया था ये चीज, स्टार्टिंग वाले लेक्चर में मैंने ये चीज बताया। इसमें भी करके देख लो, इसमें भी आ जाएगा। मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ कि इसमें डायरेक्ट प्रैक्टिस करना तुम्हें। अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% बोल दूँ तो तुम्हें क्या करना है, 20 20 20, यानी कि कितना हो जाएगा? 60। 20 × 20 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 400, यानी कि 4 यहाँ से मिलेगा, 4 3 बार, यानी कि कितना हो गया? 12, ठीक है? फिर यहाँ पे करो 20 × 20 × 20, 3 0 खत्म हो जाएगा, 8/10, यानी कितना मिलेगा? 0.8 मिलेगा। 60 और 12 72, यानी कि कितना हो गया? 72.8 हो गया। ये ऐसे करना है तुम्हें यहाँ पे, और तभी तुम्हारा ये काम करेगा, वरना ये तुम्हारे लिए फिर डिफिकल्ट साबित हो सकती है, ठीक है? चलो हम लोग सवालों की ओर बढ़ते हैं, और आज का जो हम लोग का सवाल होगा वो सारा सवाल जो होने वाला है
वो टाइम कोई मतलब जैसे होता है ना कि हमारा 2 साल 3 साल फिक्स होता है, ऐसा टाइम नहीं होने वाला। आज हम लोग का 5 महीने पे भी इंटरेस्ट कंपाउंडेड होगा, ये सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। वीडियो को समझना है तो शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा, ठीक है, तब जाके चीजें समझ में आएंगी और तब जाके तुम जो साल होते हैं 2 साल कुछ महीने और ये टाइप के जितने भी सवाल होते हैं ये सारे सवालों को तुम आसानी से कर पाओगे, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं और पहला सवाल देखो क्या है हमारा। पहला सवाल ये बोल रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, किस पे बोल रहा है, 7200 पे, मतलब प्रिंसिपल मेरा 7200 है 2 होल 2/5 ईयर, ठीक है। 2 होल 2/5 ईयर के लिए हमारा कितने परसेंट पे, 20% पर एनम पे इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, वार्षिक कंपाउंड होता है, नियरेस्ट इंटीजर में बताना है मुझे, यही ना हमारा सवाल में। अच्छा एक चीज देखो कि पहला साल तो हमारा 20% लगेगा ही, दूसरे साल भी हमारा 20% लगेगा, लेकिन तीसरा साल क्या हो रहा है, पूरा पूरी 20% नहीं लगेगा, वहां तो सिर्फ 2/5 ईयर ही रहा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में 2/5 होगा। 2/5 ऑफ 20 जब करोगे तो 5 से ये कट जाएगा कितना बार में, 4 बार में, 4 दुना कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 8%, हो गया खत्म। अब थोड़ा सा अगर सक्सेसिव पे ध्यान दो तो सबसे पहले क्या होता है, ये तीनों का तो सक्सेसिव लगना है क्योंकि इसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इंक्रीज होगा सक्सेसिवली। तो यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो सबको जब ऐड करेंगे 20 20 40 और 8 कितना 48, ठीक है, फिर करेंगे 20 गुने 20, चूंकि 100 सब में कॉमन है तो 100 का टर्म बाद में कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 20 गुने 20 400, 20 गुने 8 160 और 8 गुने 20 160, 160 160 320, 320 और 4 कितना हो गया 720, 720 बटे में 100 है तो ये क्या दे देगा हमें 7.20, जस्ट वही फॉर्मूला पे चल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ो, यहाँ पे 2 दुना 4, 2 जीरो खत्म हो गया, ठीक है, 4 जीरो होता है नीचे, 2 जीरो खत्म हो गया, 2 दुना 4 और 4 गुने 8 कितना हो गया 32, जब 32 हो गया तो 2 जीरो नीचे में है अभी भी 0.32, ये इतना तुम्हें इकट्ठे एक बार में करना होगा, ठीक है। 48 और 7 कितना हो जाएगा 55 और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 3 2 5 और 2, 55.52%, ये इफेक्टिव रेट निकल के आ गया कितने सालों का, 2 होल 2/5 सालों का, ठीक है, इफेक्टिव रेट निकल के आ गया तुम्हारा। अब तुम्हें क्या निकालना है, यहाँ से जस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अब चाहे तुम जैसे निकाल लो, जैसे भी निकालने का मन, देखो कैलकुलेशन स्किल जो होता है ना वो तुम्हें आना होना चाहिए, ठीक है, कैलकुलेशन खास करके सीआई जैसे सवालों में, सभी सवालों में लगभग में कैलकुलेशन इसके लिए एक अच्छा बिल्ड करके रखना होगा। अच्छा मैं इसे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ये 52.52 को भूल जाता हूँ, मैं 50% क्या मैं इसे 50 प्लस में 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, मुझे 7200 का ही ना सबसे पहले 50% निकालना है, तो 50% कितना हो जाएगा 3600। किसी भी संख्या को 5 से गुना करने का मतलब क्या होता है, उसे आधा करके 10 कम कर दो, ठीक है, तो आधा किया 7200 का आधा कितना हो गया 3600, 10 कम कर देती, ये वाला 0 खत्म। अगर 50 से गुना किया तो 3600 मिला, तो 5 से गुना करूंगा तो क्या मिलेगा 360 मिलेगा क्या, एक छोटा सा ना राउंड फिगर यहीं पे तुम नोट करके देखो, यहाँ पे जब तुम ऐड करोगे तो 6 9 और 3 3960 यहाँ पे मिलेगा, देख के आंसर मत रंग देना कि हाँ यही 3960 आंसर होने वाला है, ठीक है, क्योंकि दो काफी क्लोज क्लोज ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं और ये तो तय है कि इतना ज्यादा भी नहीं होगा कि 4000 पहुंच जाए, ठीक है। तो अब ये तय है कि 0.52 के वजह से कुछ ना कुछ तो ये इंक्रीज करेगा, ये तय होना चाहिए, ठीक है, कुछ ना कुछ अगर इंक्रीज करेगा तो ये भी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया आंसर, बाकी कैलकुलेशन जितना करने का माने कर लो, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है कैलकुलेशन करने का, ठीक है, इस चीज को समझो और इसी बेसिस पे सवालों को करना से। क्लियर है बात यहां तक में, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या, आज अभी हम लोग का जो है ना लगभग में सेशन जो है वो कुछ इसी तरीके का है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये सुधार लेना, 2 होल 2/5 ईयर, ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ए सर्टेन सम अमाउंट टू 4205.55, यहाँ पे मैं बेहतरीन कैलकुलेशन तुम्हें बताता हूँ, देखना तो ध्यान से, ठीक है, 4205.55% एक सर्टेन अमाउंट हो जाता है, मतलब ये हमारा अमाउंट दिए हुए, ठीक है, 15% पे 2 होल 2/5 साल के लिए, तो 2 होल 2/5 का मतलब क्या, पहला साल भी 15%, दूसरा साल भी 15% और 15 का 2/5 जब हम लोग करेंगे तो 5 से 3 बार में तीसरा मतलब 2/5 साल में कितना परसेंट लगेगा, 6% लगेगा। अभी मैंने बताया कि इसका हमें क्या निकालना है, सक्सेसिव निकालना है, निकाल लो इसका भी सक्सेसिव, 15 15 30 और 6 कितना 36, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे सक्सेसिव जो निकालेंगे वो क्या लिखेंगे 36%, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं,
15 गुने 15 कितना 225, 15 गुने 6 कितना 90, और 90 एक बार और होगा यहाँ से यहाँ तक हम लोग गुना करेंगे, ए बी बी सी और सी ए होता है, तो 90 180 और 225 जब करोगे तो कितना हो जाएगा, मुंह पे ही जोड़ना है, ये लिखना नहीं, अगर ये लिख रहे हो तो फिर तुमसे नहीं होने वाला ये, ठीक है, ये सीधा सीधी मुंह पे जोड़ना होगा तुम्हें, तब जाके कैलकुलेशन तुम्हारा तेज होगा और इतना एग्जाम में करना होगा। 225 और 180 को जब जोड़ोगे तो ये तुम्हें 405 देगा, और नीचे में 100 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4.0, ठीक है। अब यहाँ से इसके आगे बढ़ जाओ, अब बोलो कि इसको गुना करना है 225 गुने 6, तो ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि मैं 15 गुने 15 ही पहले करूँ, मैं 15 गुने 6 भी तो कर सकता हूँ, पहले 15 गुने 6 करूंगा तो 90 और 15 गुने 90 करूंगा तो 1350, और 1350 का मतलब क्या हो जाएगा, नीचे 4 जीरो होता है तो 0.135, बस इतना तुम्हें करना है। यहाँ से करो, जब करोगे तो ये तुम्हें देगा 40 और यहाँ से ये हो जाएगा 1.8 और 5, ठीक है, ये इफेक्टिव रेट निकल गया सीआई का। अगर मुझे अमाउंट दिए हुए है 420.55, ठीक है, अगर मुझे अमाउंट दिए हुए है ये, तो मेरा जो ये अमाउंट लिखने का परसेंटेज वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा 40% अगर है, जैसे अगर हमारा 21% सीआई होता है तो अमाउंट क्या होता है 121%, तो अगर 40% सीआई है तो अमाउंट क्या होगा 140.185 होगा, और मुझे क्या निकालना है प्रिंसिपल, तो मुझे क्या चीज की वैल्यू निकालनी है 140 की वैल्यू, ये तो 100 की वैल्यू क्या होगी ये निकालना। अब यहां से तुम देखो कि मैं इस सवाल में बिना काटे या इतना लिखने के बाद मैं आंसर टिक कर सकता हूं कि आंसर मेरा 3000 होने वाला, ठीक है, कैसे, अब ये चीज समझो, अगर यहां से तुम डेसिमल ये दोनों हटाओगे तो ये ऊपर का डेसिमल नीचे हटके 100 देगा और इधर डेसिमल हटके ये 1000 देगा, दो जीरो ये दो जीरो खत्म हो गए, ठीक है। अब थोड़ा गौर फरमाओ, यहाँ से ये 5 से इसे 5 को काटना है तो डेफिनेटली ये कोई ना कोई एक नंबर लेगा, मतलब ऐसा नंबर लेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 to 9 के बीच में कोई एक नंबर लेगा, ऐसा नंबर नहीं ले सकता है जो 0 वहां पे लाके देते, मतलब ये तय हो गया कि मेरा जो भी नंबर होगा उसमें 3 जीरो होने वाले हैं, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, बचा कौन कौन सा, नन ऑफ दीज और 3000, देखो नन ऑफ दीज भी है सवाल में, ठीक है, नन ऑफ दीज भी है, तो अब इस नन ऑफ दीज को कैसे काटे, तो तुम थोड़ा सा देख लो कि 14 का 3 गुना यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, 14 3 42, अगर यहाँ पे 14 और 4 जीरो है यहाँ पे तो 14 3 42 और यहाँ पे 4 डिजिट है, 3 गुना हो रहा है ना, जब 3 गुना हो रहा है तो डेफिनेटली अब इससे ज्यादा अप्रोक्सीमेशन क्या जा सकता है, हो गया हमारा आंसर 3000, खत्म कहानी यहीं पे खत्म हो गई, ठीक है। तो चीजों को करने का देखो नजरिया और बढ़ाते जाओ कैलकुलेशन स्किल, ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ शुरू से लेके अंत तक देखो, बीच में कहीं स्किप मत करो, भले ये कर लो कि हाँ तुम्हें अगर आ रही है, या मैं धीरे बोल रहा हूँ चूंकि यहाँ पे अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा धीरे हो जाता है, अगर मैं धीरे बोल रहा हूँ तो तुम जाके अपने यूट्यूब में ऊपर में देखना 3 डॉट होगा, वहां पे स्पीड होता है उसे 1.25 कर लो, ठीक है, या 1.5 करके देखो, जहां पे भी तुम्हें कंफर्टेबल लगे वहां पे तुम कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ऐसे मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, नॉमिनल स्पीड पे ही सीखो, सीखना है अभी तुम्हें, ठीक है। देखो सवाल में क्या है, हमारा सवाल क्या बोल रहा है, और बेहतरीन सवाल एक और यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग दो दो तरीके से देखेंगे सॉल्व करने का। बोल रहा है व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 8100 फॉर रुपीज 1 whole 1/4 year, 1 whole 1/4 year का मतलब क्या, 1 साल और 3 महीने, 1 साल और 3 महीने का मतलब कितना हो गया 15 महीने, मतलब 1 whole 1/4 month, कहीं ना कहीं हमें कितना महीने को बता रहा है, 15 महीने को बता रहा है, किस रेट पे 8% पर एनम, पर एनम मतलब क्या, 12 महीने के लिए मुझे जो है 8% देना होता है, ठीक है, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 5 monthly, 5 महीने 5 monthly इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, ठीक है, तो 5 महीने का इंटरेस्ट रेट निकाल लेता हूं मैं, 1 महीने का 8/12, तो 5 महीने का 8/12 गुने 5, 4 दूना 4 3, यानी कि 5 महीने में जो लगेगा 10/3% लगेगा, कितना ही लगेगा ना, 10/ कितना लगेगा, 3% लगेगा। अब मसला यहां से शुरू होता है कि यहां से हम लोग सवालों को करें तो करें कैसे, ठीक है, अगर तुमने मेरा पहला लेक्चर देख रखा है तो वहां मैंने तुम्हें बहुत सारी चीजें बताई थी, स्टैंडर्ड रेशियो वगैरह, और आज का लेक्चर में मैंने बताया था सक्सेसिव वगैरह। अब पहले यहाँ पे एक चीज देखो कि पूरा टाइम जो है मेरा 5 महीने का है और हर 5 महीने में इंटरेस्ट देना है, तो मुझे तो हर 3 महीने में इंटरेस्ट देना है, मतलब हर बार मुझे 10/3%
10 बाई 3% और 10 बाई 3% लगाना है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा करने का मन है वैसे कर लो, यहाँ पे या तो फ्रैक्शनल लगा लो या फिर तुम डायरेक्ट अगर कर सकते हो तो डायरेक्ट। जब हम लोग 10 बटे 3 को सिमिलरली 3 बार जोड़ेंगे तो क्या ये 10% देगा? 10 बटे 3 को 3 बार जोड़ना है, ठीक है। फिर हमें क्या करना है, 10 × 10 / 3 × 3 × 100, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 10 बटे 3 जैसे हमारा होता है ना a1 / ab, पहले मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। ab/100, इसे थोड़ा सा ध्यान से समझ लो, ab/100 जब करेंगे तो 10/3 × 10/3 और गुने में 100 है, तो ये क्या दे देगा हमारा, 1/9 दे देगा। और ए बी बी सी और सी ए तो तीनों एक ही चीज देगा, तो इसे 3 से गुना कर दूंगा तो मैं क्या दे देगा, 1/3। तो यहाँ पे 1/3 लिख दिया मैंने, ये यहाँ से एक और चीज दे दिया हमारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर होगा। फिर क्या करना है तुम्हें, 10/3 / 10/3 / 10/3 तीन बार गुना करोगे तो 10 से 3 जीरो खत्म हो जाएगा, 3 × 3 = 9 = 27, नीचे क्या बच जाएगा, 270। ऐड कर लो इसी को, ऐड करोगे तो नीचे ज्यादा से ज्यादा 270 एलसीएम ले लो, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कितना, 2700 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कितना, 90, और यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कितना हो गया तुम्हारा, 2791/270%। ये तुम्हारा क्या हो गया, इफेक्टिव रेट ऑफ निकल गया। अब इफेक्टिव जब निकल गया तो तुम्हें क्या निकालना था, सीआई निकालना था ना, एकदम आसानी से निकल जाएगा, कट जाएगा, देखो कितना आसानी से, 2791/270 और गुने में परसेंट हटेगा तो 1/100 होगा, और किसका निकालना है, 8100 का निकालना है, 0 से 2 0 खत्म, 270 से, सॉरी 27 से ये 10 और 27 से ये 3 बार, ठीक है। अब अगर 3 बार में कट जा रहा है तो इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो, तो 3 × 1 = 3, 9 × 3 = 27, और फिर कितना हो जाएगा 2 हाथ में, 7 × 3 = 21, और 2 यानी कि 3 2 हाथ में है, 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 8, और 10 है तो यहाँ 837 पॉइंट में कितना हो गया, 3 हो गया, 837 नियरेस्ट में, यही हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में हमारा, ये एग्जिस्ट कर तो ये हमारा यहाँ से दिख रहा है। ये निकालना जो है तुम्हें मुंह पे सीखना होगा, अगर ये निकाल लिए तो सवाल आसान हो जाएगा, नहीं निकाले तो फिर सवाल मुश्किल हो सकता है, ठीक है। चलो एक प्रोसेस मैं तुम्हें और बताता हूँ, ठीक है, एक प्रोसेस मैं तुम्हें यहाँ पे और समझाता हूँ इसको बनाने का, थोड़ा सा जो है इस चीज को समझो यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर और गर्मी भी काफी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब मुझे रिकॉर्डिंग करते करते जो है पसीना चलने लगा है, ठीक है, दैट इज गर्मी बढ़ गई। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10/3% हर बार एक ही है, अगर इसका फ्रैक्शन निकालोगे तो इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा तुम्हारे, देखो तो इसका 100 लाओगे तो 1/30 हो जाएगा क्या फ्रैक्शन। अगर तुम्हें 3 साल का गोल्डन रूल याद होगा तो 3 साल का गोल्डन रूल जो होता है, स्टैंडर्ड रेशियो जो होता है वो होता है 3:3:1, स्टैंडर्ड रेशियो जो मैंने बताया था वो क्या होता है, 3:3:1 होता है, और 2 साल का क्या होता है, 2:1। तो सबसे पहले अब यहाँ से ये समझो कि तुम्हारा अमाउंट जो है वो अमाउंट है 8100 का, ठीक है, 8100 का जब तुम 1/30 करोगे तो 0 से 0 खत्म, 270 दे देगा यहाँ पे, 270 का तुम 1/30 करोगे तो 270 का 1/30 क्या दे देगा, 9 दे देगा, और 9 का अगेन तुम 1/30 करोगे तो 9 का अगेन 1/30 कितना दे देगा तुम्हारा, 0.27, 27 दिया कितना हो जाएगा, 81810, सीआई निकालना है ना, सिर्फ सीआई निकाल रहा हूँ मैं, से 9 दिया कितना हो जाएगा, 27, आगे करने का जरूरत ही नहीं, इतना ही जोड़ के देख लो 837 आ जा रहा है, और उससे आगे भी चले जाओ क्या फर्क पड़ता है। अब अगर तुम बोलोगे कि सर अभी आपका सवाल के अनुसार 837 और इस सवाल में 0.27 आया और पिछले वाले में 837.3 आया, ठीक है, सॉरी ये 0.0 नहीं है, ओनली 27, तो ये नियरेस्ट इंटीजर के राउंड फिगर में लिया गया है, इसलिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ ज़्यादा, हमें यहीं तक देखना है सिर्फ, ठीक है, ऑप्शन भी हमारा उसी रेलेवेंट, तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, सिंपल सा इसे यहाँ पे इस तरीके से करके निकल जाए, ठीक है। चलो एक और सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या, देखो सीजीएल 2018 का ये सवाल है, ठीक है, क्या है सवाल में समझो, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन 2 होल 1/2 ईयर एट 10% पर एनम,
कंपाउंड इंटरेस्ट जो है सर्टेन सम पे दो होल एक बटे दो ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कितना है 1623 है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1623 है, ठीक है। तो मुझे क्या पूछ रहा है सवाल में निकालने के लिए, मुझे पूछ रहा है सवाल में सम बताने के लिए, मुझे सीआई मालूम है यहाँ पे, ठीक है। सम हो मुझे क्या मालूम है, सीआई मालूम है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो सबसे पहले एक चीज समझो, देखो हर बार जो है एक ही चीज को नहीं अप्लाई करना है हर बार, ठीक है। और कर भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ज्यादा का अंतर नहीं है। पहला साल 10%, दूसरा साल भी 10%, और अगले तीसरे साल में जाएंगे तो पूरा नहीं जाना, आधा साल जाना, यानी क्या हो जाएगा 5%। अब तुम्हें याद है 10 और 10 का सक्सेसिव 21 होता है, 21 और 5 का लगा लो, 21 पास कितना 26, और 26 में तुम 1.10 ऐड कर दो, 1.05 तुम ऐड कर दो, तो 1.05 ऐड करोगे तो वो कितना दे देगा 21 प्लस, मैं यहाँ पे चलो तुम्हें थोड़ा सा लिख ही देता हूँ, ठीक है। 21 गुने में 5 बटे में 100 करोगे तो यहाँ से तो 26 मिल ही गया ना, और यहाँ से तुम अगर चाहो तो 21 गुने 5 कितना हो जाएगा तुम्हारा 105 हो जाएगा तुम्हारा। 105 का मतलब क्या हो गया 1.05 ना, तो 25, 21, 5, 26 और 27 पॉइंट में क्या 0.5। ट्रिपल सक्सेसिव भी लगा लो, 10, 10, 20 और 5 कितना 25, 10 गुने 10 100, 10 गुने 5 50, फिर 5 गुने 10 50, 50 50 100, और 100 200, 200 है तो 2, और फिर यहाँ पे करेंगे कितना 100 गुने 100 हो जाएगा, और यहाँ 500 हो जाएगा, 500 बटे में 20 खत्म 0.05, यहाँ से भी आ गया 27.05। किधर से भी ले आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हारा कहाँ पे दिमाग सबसे तेजी से लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें देखो तुम्हें वैल्यू किसकी दी हुई है, ये 1623 दिया हुआ है, ये किसका वैल्यू दिया हुआ है 27.05 की वैल्यू दी हुई, ठीक है। तुम्हें निकालना किसकी वैल्यू, तुम्हें निकालना है जो वैल्यू वो निकालना है 100 की वैल्यू, क्योंकि सम पूछ रखा है। थोड़ा हम लोग डेसिमल पे काम करते हैं, डेसिमल से देखो क्या होता है, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर सवाल का मैं आंसर बोलूं, इसका भी मैं आंसर बिना किसी हड़बड़ी के मैं 6000 दे सकता हूं, ठीक है। मैं हालांकि इसमें 5 ऑप्शन सेट कर दिया हूं, क्योंकि थोड़ा बैंकिंग को भी ध्यान में रखना है, और लगभग में एक चीज ध्यान में रखो कि जब अप्रोक्सीमेशन आता है तो वहां पे 5 ऑप्शन रहते हैं, और अगर नहीं भी रहेंगे 5 ऑप्शन तब भी मैं उसका एक जुगाड़ बता दूंगा, ठीक है। मतलब अगर नन ऑफ दिस भी रहेगा तब भी मैं जुगाड़ बता दूंगा, उसके लिए भी निश्चिंत रहो, लेकिन अगर है तो भी क्या करना है, ठीक है। मेरे को आंसर दिख गया, कैसे दिख गया कि अगर मैं इसे 5 से काटता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई एक नंबर ऐसा देगा जो दोबारा 5 से नहीं कटेगा, और मैं इसे 5 से काटता हूँ तो यहाँ पे हमारा ये 20 दे देगा, यानी कि 10 यहाँ, 20 यहाँ, 30 वाला होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में ही है, बाकी किसी में 30 नहीं है। आंसर हो गया, आंसर आ गया आंसर हमारा, ठीक है, देख लो जाके। और एसएससी में 2018 में तो ये दिया ही नहीं था, ठीक है, ये वाला ऑप्शन मैंने अपने से बैठा रखा। तो अब समझो कि एसएससी में अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो तुम अगर एसएससी के में के लिए प्रिपेयर करो तो तुम एसएससी में ऐसे जज कर सकते हो, और अगर बैंक में नन ऑफ दीज आ रहा है तो कोई बात नहीं, कुछ लोड लेने का जरूरत नहीं है, 5 से इसे काट दो। 5 से इसे जब काटोगे तो ये कटेगा तुम्हारा 27.05 जो है, वो काटने का तरीका मैं बता रहा हूँ, चाहे ऊपर काटो चाहे नीचे काटो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीचे वाला मुझे ज्यादा आसान लग रहा है। 5 से मैं इसे काटूंगा तो 5, 4, 1 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। अब तुम क्या करो, 500 है, 500 का देखो ये 1623 कितना गुना है, अगर गौर से देखोगे तुम, अगर देखने में थोड़ा सा भी एक्सपर्ट हो गए गौर से देखोगे तो 541 गुने 3 करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, 541 गुने 3 करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये तुम्हें क्या दे देगा, यहाँ पे 3 दे देगा, और ये तुम्हें क्या दे देगा, 5 दे देगा। 5 से काट दो इसे 20 बार, देखो आ गया वही 6000, क्या लिटरली वही आ गया ना 6000, ठीक है। तो ये चीज को समझो कि जब भी हमारा सवाल इस तरीके से आता है हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि पहले 2 से काट रहे हैं, पहले 3 से काट रहे हैं, पहले 4 से काट रहे हैं, पहले 5 से, बड़ा नंबर से काटने का तरीका सीखो कि किसी भी एक को काट के देख लो, और एक बड़ा नंबर से ऊपर वाले को हो सकता है कि काम कर जाए या हो सकता है नहीं काम करे, लेकिन लगभग में जो है वो भी इसी तरीके से सेट करके देता है कि वो काम कर जाए, ठीक है, वो भी इसी तरीके से सेट करके देता है कि वो काम कर जाए। तो इस चीज के लिए तुम निश्चिंत रहो वहां पे, ठीक है, कि वो वहां काम करेगा ही करेगा, और मैंने तो दो दो तरीके बता दिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, क्या बोल रहा है हमारा सवाल में, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 25,000, 25,000 रुपए पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा 2 साल के लिए 12% पर एनम,
इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड 8 मंथली, हर 8 महीने में देना है। अच्छा 12% है तो हर 12 महीने में 12%, तो 8 महीने में कितना, 8%। 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 महीने होते हैं। 2 साल में 24 महीने, मतलब 8 मंथली का मतलब क्या हो गया, 3 बार मुझे देना होगा, 8-8 महीने करके 3 बार देना होगा। और 8-8 महीने में 8-8% ही लगेगा ना, कुछ अलग तो लगना नहीं है, तो सक्सेसिव निकलेगा। कैसे निकलेगा सक्सेसिव, ये भी देख लो, 8, 8, 8, 16 और 8, 24, तो यहाँ पे लिख दिया 24, 8 × 8, 16, फिर सिमिलरली 8 × 8, 8, तो 8 × 8, 64, ठीक है। और सिमिलरली 3 बार आएगा तो 64 × 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 192, और नीचे में 100 होता है तो 1 पॉइंट कितना दे देगा, 92, और 8 × 8 × 8 करोगे तो ये कितना दे देगा तुम्हारा, 512 दे देगा, ठीक है। तो 512 दे दिया, यानी कि 4 जीरो था 0.0051, ऐड कर लो इसे, ऐड करोगे तो 2179 और पॉइंट में क्या हो जाएगा 25। ये इतना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया। अभी देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या करना क्या है। अब तुम्हें क्या बोला है, 25,000 का निकालना है, ठीक है। 25,000 का तुम्हें क्या निकालना है, एकदम बैंकिंग पैटर्न, ठीक है। बैंकिंग के लिए एकदम इंपॉर्टेंट, एसएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी का ही सवाल है, थोड़ा सा चेंज करके मैंने इसे बैंकिंग का बना दिया क्योंकि डेसिमल वगैरह बैंकिंग में ज्यादा पूछते हैं। देखो अगर लिटरली अगर ऐसा सवाल आता है तो उसको छूने का भी जरूरत नहीं है बैंक, लेकिन स्टिल अगर तुमने इतना कर दिया और उसके बाद अगर नहीं छूते हो तब ना इंसाफ, ठीक है। देखो तुम्हें निकालना क्या है, सीआई निकालना है। अगर तुम्हें थोड़ी सी डिजिटल सम मालूम है, थोड़ी सी अगर मैं बोलूं तुम्हें डिजिटल सम मालूम है तो थोड़ा सा लगा दो, 7, 2, 9, 7, 2, 9 यहाँ पे खत्म, 5, 2, 7, 7 और 1 यहाँ से 8 दे देगा, और 5, 2, 7 और यहाँ से 7 दे देगा, 8 × 7, 56, 56 का मतलब क्या हो गया, 6, 5, 11, और 11 का मतलब क्या हो गया, 2, यानी कि इसका डिजिटल सम जो आया वो कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसका डिजिटल सम जो आ गया वो आ गया कितना, 2। अब मुझे क्या देखना है, वैसा ऑप्शन देखना है जिसमें हमारा डिजिटल सम 2 है, ठीक है। थोड़ा सा इस सवाल में मैंने नन ऑफ दिस डाल दिया है, हालांकि ये नन ऑफ दिस होगा नहीं, यहाँ पे कुछ एक और ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर डेसिमल में देता है ये एकदम तय है, मैं एकदम 200% यहाँ पे तुम्हें बता दूं, गारंटी दे रहा हूँ। यहाँ पे बैंकिंग में अगर इतना डेसिमल में पूछ रहा है वो नन ऑफ दिस नहीं देगा, अप्रोक्सीमेशन किसी भी सवाल में उठा के देख लो, नन ऑफ दिस कहीं पे भी नहीं होता, चाहे वो सिर्फ नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन ही क्यों ना, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन कभी भी जो है नन ऑफ दिस नहीं देता, इसलिए निश्चिंत रहना इस चीज के लिए, ठीक है। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे नन ऑफ दिस आ गया। अब यहाँ पे देखो हम लोग डिजिटल सम 2 ढूंढने चलते हैं ऑप्शन में, ठीक है। 2 जब ढूंढेंगे तो 6, 3, 9 यहाँ से खत्म, 9 खत्म, 4 और 1, 5, ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। 6, 3, 9 ये खत्म, ये 9 खत्म, 4, 2, 7 ये भी ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। 6, 4, 10 ये 9 खत्म, 10, 2, 12, 12, 8, 20 इसका डिजिटल सम 2 है, ये हो सकता है, ठीक है। 6, 3, 9 ये खत्म, 9 खत्म, 6, 4, 10 इसका डिजिटल सम है, ये नहीं हो सकता, यही हमारा आंसर है। और एग्जैक्टली अगर तुम सॉल्व भी करोगे तो यही आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है। ये नन ऑफ दिस को इग्नोर कर देना, ये मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, किसी भी प्रीवियस ईयर को उठा के देख लो, वहां पे जो है ये नन ऑफ दिस नहीं होती, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के किसी भी सवाल में। तो थोड़ा सा अगर डिजिटल सम मालूम है तो थोड़ा सा लगा के देख लेना, अगर काम कर गया तो ठीक, समय है तो ठीक, वरना ये थोड़ा सा जो है रिस्की हो सकता है, रिस्की पॉइंट हो सकता है तुम्हारा बैंकिंग के सेक्टर में फंस कर, ठीक है। और एसएससी में तो हो जाएगा क्योंकि वहां पे तुम्हारा ये नहीं होता है, क्या नाम है, नन ऑफ दिस नहीं होता है, तो वहां पे तुम आसानी से इसे लगा सकते, ठीक है। तो उसे सॉल्व कर लोगे तो भी यही आंसर आने वाला है। चलो अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है हमारा, तो अब जो है हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल हम लोग देख लिए मिक्सचर ऑफ टाइम्स में, टू होल्ड टू बाई, थोड़ा सा नॉमिनल सवालों को देखते हैं। नॉमिनल नहीं है ये अभी, लेकिन हाँ थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ठीक है। देखो क्या है, ए सम ऑफ एक्स अमाउंट्स टू इतना, 1,2,777.60 अमाउंट हो जाता है 2 साल में, अमाउंट हो जाता है, ठीक है, 777 है, सॉरी, 15% के रेट पे, मतलब 12 महीने के लिए 15% लगता है, तो 1 महीने के लिए क्या लगता है, 15/12, क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि इंटरेस्ट कंपाउंडेड 8 मंथली, हर एक 8 महीने पे, तो 8 महीने का मुझे निकालना होगा, 4×3, 5, यानी कितना परसेंट निकल गया, 10% निकल गया ना। अब 2 साल है, 2 साल का मतलब क्या हो गया, 24 महीना,
अभी जस्ट इसके पहले वाले सवाल में हम लोगों ने देखा था कि अगर 8 मंथली होता है, 24 महीना है, तो 3 टर्न जाएगा, और 10% का अगर इफेक्टिव तुम्हें 3 टर्म का याद होगा तो 33.1%। मुझे इसके बाद क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है ना, तो ये अमाउंट दिए हुआ है, अगर 33.1% है तो ये 133.1% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बस इतना ही करना है। चलो कोई बात नहीं, सवालों को अब समझो कि सवाल को करेंगे कैसे। डेसिमल हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे क्या मिलेगा, 00। ये डेसिमल हटाएंगे, ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या मिलेगा, 10। 20 खत्म, आंसर जो होगा वो क्या होगा, 20 वाला, सारे ही 20 है, ठीक है, सारे ही क्या है, 20। बोलो अब कॉन्सेप्ट तो आपका फेल कर गया कि सारे ही 20 है, अभी भी फेल नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन करना कोई एक पार्ट नहीं होता है, ठीक है, अभी भी मैं इसका आंसर बिना काटे दे सकता हूँ, अभी भी मैं इसका आंसर बिना काटे दे सकता हूँ। देख लो एक चीज कि ये एक जो है इस 6 को देगा जब, तो डेफिनेटली इस पूरे पूरी को काटने के लिए, कहीं पे भी अप्रोक्सीमेट नहीं है, कहीं पे भी कुछ ऐसा नहीं है, तो पूरा पूरी काटने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहला डिजिट में 6 होना चाहिए और उसके पहले जो होना चाहिए। अब तुम ये देखो कि 6 के साथ कितने 20 हो गया। अब बोलोगे कि ऐसा हो सकता है कि अप्रोक्सीमेशन में भी, तो उस केस में ज्यादा अगर और कंफर्म होना है तो नीचे वाला तो तय है 11 का मल्टीपल, ऊपर वाला को थोड़ा सा देख, ऊपर वाले को थोड़ा सा देख लो, हो जाएगा, ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं देखने का जरूरत है, इससे ज्यादा और कुछ भी देखने का जरूरत नहीं। थोड़ा सा अगर गुना भी करके देख लोगे तो 13×9 भी करके देख लोगे तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। 13×9 कितना होता है, 117 होता है, 127 दिख रहा है, और 6 है तो 13 का समथिंग आधा, ठीक है, वो किसी ना किसी तरीके से टर्म वहां पे मिल जाएगा और हो गया आंसर। बहुत अप्रोचेस है देखने, देखना तुम्हारे हाथों में, अब तुम जैसे देखो, ठीक है, ये काम तुम्हारा है, ये मैं तुम पे छोड़ दे रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल पे, अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम फॉर सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर इज 3300 एंड 3630। सेकेंड, दूसरे साल का, तीसरे साल का सीआई जो है दिए हुआ है कितना, 3300 3630। अगर तुम इसे काटोगे तो काटने के बाद देखो तो क्या दे रहा है, किससे काट लूं मैं, हम लोग यहाँ पे 33 से ही काट लेते हैं, 33 से ये 10 और 33 से ये 11 बार में कट जाएगा। टाइम बाउंडेशन, टाइम कैप जो है वो एक साल का है, तो एक साल का स्केलिंग फैक्टर क्या हो गया, 10 से 11 अगर मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा तो तुम क्या बोल देते, 10%, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ देता तो तुम क्या बोल देते, 10% बोल देते, बोलते ना। अच्छा, 3 साल के लिए अगर मैं तुम्हें इसी स्केलिंग फैक्टर पे तुमसे पूछूं, पहले साल का, दूसरे साल का और तीसरे साल का, तो उम्मीद करता हूं तुम्हें ये याद होना चाहिए। पहले साल का होता है 10 का स्क्वायर यानी 100, दूसरे साल का होता है 10×11 110, और तीसरे साल का होता है 11×2 121। मुझे कितने साल का अमाउंट बताने के लिए बोला है, 2.5 साल। अगर पहले साल का 100 है तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, 1000, मैंने क्या बोला था, स्केलिंग फैक्टर से पहले साल में मल्टीप्लाई कर दो, 1000 हो गया। अब तुम्हें 2.5 साल का इंटरेस्ट जानना है ना, तो सबसे पहले एक चीज देखो, ये 2.5 साल तक, 2 साल तक तो तुम पूरा पूरी जाओगे, लेकिन यहाँ क्या जाओगे, सिर्फ आधा जाओगे, तो इसका आधा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 121 डिवाइडेड बाई जब तुम 2 करोगे तो ये तुम्हें कितना दे देगा, 60 पॉइंट में कितना दे देगा, 5 दे देगा। ऐड कर लो सारे को, ठीक है, ऐड जब कर लोगे सारे को तो 100 100 200 और 60 और 10 70, 270.5, 1000 है तो ऐड करने के बाद क्या दे दिया, 1270.5, कितना ही दिया ना। अब किसी एक से रिलेट कर लो, या तो 121 से रिलेट कर लो या 110 से। सेकेंड ईयर का कितना है, 3300 है, अगर सेकेंड ईयर का 3300 है तो 110 की वैल्यू 3300 के बराबर, तो एक की वैल्यू कितना के बराबर, 30 के बराबर। एक की वैल्यू अगर 30 के बराबर है तो इसकी वैल्यू 30 से गुना कर दो, डेसिमल हटाओ नीचे, 00 खत्म। चलो करते चलते हम लोग, 5 3 15 का 5 एक हाथ में और एक यहाँ बैठा दो, और 15 1 हो गया। चलो अभी दो दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया, ठीक है। फिर 7 3 21 का 1, चलो ज्यादा चांस सीसी पे मिल गया हमारा, 1 कर लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मिल गया ना। 7 3 21 का 2 हाथ में, 12 3 36 36 और 2 38 हो गया, 38 11 15 खत्म।
स्केलिंग फैक्टर को मैंने पिछले सेशन में भी बताया था, और ये स्केलिंग फैक्टर सिर्फ हम लोग एक दो और तीन में भी नहीं यूज कर सकते, हम लोग ऐसे टाइम में भी यूज कर सकते हैं जिस टाइम में सबसे ज्यादा टेंशन होता है। ठीक है, कितना काम का स्केलिंग फैक्टर है ये समझो। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या हो रहा है हमारा। ठीक है, एक और सवाल, ऐसा सवाल मैंने अपने सेकंड वाले लेक्चर में भी बताया था, एक बार फिर हम लोग रिपीट करते हैं इस सवाल को। देखो क्या है हमारा, ए सम ऑफ 500 रुपीज अमाउंट्स टू 7200, 5000 रुपए की राशि 7200 हो जाती है 8 सालों में। ठीक है, 5000 रुपए की राशि ना कितने हो जाती है, 7200 हो जाती है। थोड़ा काट लो ना, 0000 यहाँ से खत्म हो जाएगा, 5 से मैं इसे काटता हूँ, 5 से काट लूँ 25 बार में, और 2 से काटता हूँ 25 बार में, 2 से काटता हूँ 36 बार में, मतलब 8 सालों का जो स्केलिंग फैक्टर होता है, 1 से 9 साल, मतलब 1 से अगर 9 साल अगर देखूँ मैं, 8 सालों का गैप का स्केलिंग फैक्टर जो होता है वो होता है 25 से 36 का। ठीक है, कितना होता है, 25 से 36 का होता है। हमसे क्या पूछा है सवाल में, कंपाउंडेड ईयरली है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ऑन ए सम ऑफ रुपीज 6550, 6550 पे सीआई बताना है मुझे, कब का बताना है, 4 सालों में। ठीक है, तुम्हें याद होना चाहिए कि अगर मुझे 4 सालों का निकालना है, 8 से 4 क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइडेड बाई 2, अगर डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है तो इधर क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। अगर ये हमें 16 सालों का निकालने के लिए बोलता तो 16 सालों के लिए क्या होता, गुना 2 होता, तो यहाँ 16 सालों के लिए क्या होता, 25 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर हो जाता। उम्मीद करता हूँ ये तो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मैंने बताया भी है इस चीज को। तो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया, मतलब 4 सालों का स्केलिंग फैक्टर कितना हो गया, 5 से 6 का। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है निकालने के लिए ऑन अ सम ऑफ 6550, तो 5 की वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है, देखो तो 5 की वैल्यू मुझे दे रखी है 6550, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो तो 1 बार में 3 बार में फिर 1 बार में 0, और कहीं ना कहीं सीआई तो एक ही यूनिट है ना, 1 की वैल्यू तो निकल गई 1310, हो गया ऑप्शन नंबर बी 1310, खत्म हो गया सवाल। तो चीजों को समझो और इस तरीके से करके निकल जाओ। ठीक है, चलो रेशियो से उम्मीद है ये सब याद होगा, जस्ट 2-3 सवाल में पिक कर रहा हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट डिफिकल्ट या थोड़ा आसान आसान, ताकि तुम्हारा रिविजन भी हो जाए। एक और सवाल को देखो, एक और बेहतरीन सवाल को मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, एक कंफ्यूजन यहाँ पे अक्सर देखा गया। ठीक है, मैं समझाना चाह रहा हूँ जो वो चीज को समझ लो। ए सम ऑफ मनी बिकम 35680 आफ्टर 3 ईयर, 3 साल के बाद, एंड 5320 आफ्टर 6 ईयर, मतलब 3 साल के गैप का। ठीक है, 3 साल के गैप का जो है रेशियो मैं चाहूँ तो यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं निकालता हूँ रेशियो 35680 53520। ठीक है, थोड़ा काट लेते हैं हम लोग। ठीक है, थोड़ा काटने हम लोग अगर निकलते हैं तो 3 से अगर हम लोग काटते हैं, सॉरी किसे काट लें, अगर ये भी 8 से कट रही है, चलो 8 से काटते हैं। ठीक है, 8 चौक 32, अगेन फिर 8 4 32, एंड 8 6 48, यहाँ से ये आ गया, और फिर अगर 8 से हम लोग इसको भी काटते हैं तो 8 6 48, एंड अगेन 8 6 48, एंड 9। ठीक है, बात अब अगर तुम देखोगे तो ये शायद तुम्हें दिख रहा होगा 223 से 2 और 223 से 3 बार में कट रहा है, मतलब 3 सालों का स्केलिंग फैक्टर तुम्हें मालूम हो गया। 3 सालों का स्केलिंग फैक्टर क्या मालूम हो गया, 2 से 3 मालूम हो गया, और ये तुम यहाँ पे याद। अब तुम्हें निकालने क्या बोला गया, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा ऑन द सेम सम इन द फर्स्ट केस, पहले केस में। पहले केस का मतलब क्या हो गया, पहले 3 वर्ष में। ठीक है, पहले 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, मुझे ये ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, अब अगर 3 साल का स्केलिंग फैक्टर 2 से 3 है तो स्टार्टिंग के भी 3 साल का स्केलिंग फैक्टर 2 से 3 होगा। अक्सर एक कंफ्यूजन क्या होता है ना कि 3 साल जब हम लोग देखे तो 3 से 6 3 ईयर दिख जाता है, और हम लोग फिर क्या बोलते हैं, 1 से 3 बोल देते हैं, तो यहाँ तो हम लोग को सिर्फ 2 ईयर दिखता है, जबकि ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग मतलब क्या, 0 से 3 ना, तो अब ये क्या हो जाता है, ये 3 साल हो जाता है, यानी कि वो स्टार्टिंग के 3 सालों का भी स्केलिंग फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, 2 से 3 ही होगा। ठीक है, अब अगर 2 से 3 स्केलिंग फैक्टर है तो अमाउंट कितना है, 35680 है, यानी 3 की वैल्यू 35680 है, तो तुम्हें क्या निकालने बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 1 की वैल्यू निकाल दो 3 से 1 बार में, फिर अगेन 3 से 1 बार में,
यहाँ 2 और 6 26 बढ़ गया, 8 किया 24, 24 यानी कि 2 28, 7 बार में, और सॉरी 7 नहीं कितना हो गया 3 5 6 8 जो है ना, 3 से 1 26, 8 किया 24, फिर 28, 9 किया 27, ठीक है 1 1 8, 9 किया 27, और फिर यहाँ पे 1 10 बचेगा 3 और पॉइंट में 3 3, इसी तरीके से चलता चला जाएगा, चूंकि अप्रोक्सीमेटली निकालना है 11893, यही हमारा सॉरी ये वाला है हमारा ऑप्शन नंबर सी 11893, ठीक है। जस्ट सिंपली हम लोग को ये चीज को ध्यान में रखना है, देखो इसमें कंफ्यूजन यही एक पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जो कि लोग ये समझते हैं कि 3 से 6 साल हो गया तो स्टार्टिंग के 3 साल यानी 1 से 3 कर दो, भैया 1 से 3 नहीं होता, वो हो गया क्या पहले साल से तीसरे साल, तुम्हें जबकि बोला है स्टार्टिंग से, दैट इज 0 0 से 3 निकालना, ठीक है 0 से 3 क्या हो गया 3 हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा और यहाँ तक हम आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आपके लिए एक बोनस सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, ये सवाल आपको बना के मुझे ऑप्शन में बताना है और सब लोगों को बताना है, और यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया हो तो लाइक करते जाना। सीजीएल 2018 में आया और कोई अंतर नहीं है सीजीएल और बैंकिंग में, एसएससी और बैंकिंग में, मैंने पहले भी बताया, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दोनों का एग्जाम जो है TCS ही कंडक्ट करवाती है, इसका फुल फॉर्म जैसे तुम्हें याद रखना है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के फॉर्म में या टोटल कैलकुलेटिव सिस्टम के फॉर्म, जैसे याद रखना, ठीक है जैसे याद रखने का मन है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो सेशन को लाइक करते जाना और अपने दोस्तों के भी शेयर करते जाना। थैंक यू।